नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, भले ही मानसून उत्तर प्रदेश के कई भागों से, ज़्यादातर भागों से ही जा चुका है, कुछ ही इलाके पूर्वी उत्तर प्रदेश के बचे हुए हैं और जहां पर मानसून अभी है। और देखिए, मानसून जाने के बाद में काफ़ी भाइयों के यानी कि यही सोचते हैं कि अब मानसून चला गया है और अब जो है सुबह शाम की सर्दी होनी शुरू हो जाएगी और दिन में भी गर्मी से छुटकारा मिला रहेगा। लेकिन मानसून जाने के बाद दोस्तों फिर से गर्मी यानी कि तापमान बढ़ रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है। दिन में भले ही सुबह के समय तापमान, न्यूनतम तापमान काफ़ी कम हो रहे हैं, सुबह के समय हल्की सर्दी का एहसास हो रहा है, लेकिन दिन में स्पष्ट क्लियर धूप निकलने के कारण तापमान उत्तर प्रदेश के बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से दिन में गर्मी फिर से महसूस हो रही है। और फिलहाल की अगर मौसमी सिस्टमों की बात करें कि उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर किस तरह का मौसम रहेगा या किन किन भागों पर बारिश होगी, तो एक WD दोस्तों नया पहाड़ी राज्यों पर आ रहा है। ये 8 और 9 अक्टूबर में पहाड़ी राज्यों पर रहेगा, कुछ भागों पर बारिश करेगा। इसके कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलना, मेघ गर्जना होना या कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं 8 और 9 अक्टूबर के दौरान बनी रहेगी। और ऐसा नहीं है कि 8 अक्टूबर की सुबह सुबह ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश करेगा, देर शाम या रात्रि से इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। अलग दिन में थोड़े बहुत बादल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों पर एक सर्कुलेशन है, एक महाराष्ट्र माफ कीजिएगा दक्षिणी राज्यों पर जो है सर्कुलेशन बना हुआ है। ये सर्कुलेशन ही आगे बढ़कर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है बनने वाला है। अब इन दोनों मौसमी सिस्टम के कारण मॉइस्चर यहाँ पर पूर्वी राज्यों पर है, कुछ हवाएं यहाँ से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुँच रही है, क्योंकि अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर मानसून बना हुआ है, यहाँ तक जो है वापसी हो चुकी है, जिसकी वजह से इन भागों पर कहीं कहीं पर बादल दिखाई देंगे एक दो इलाकों पर, और कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत जो है बारिश इन सिस्टमों के कारण मॉइस्चर आने की वजह से जो है वो हो सकती है। तो इस तरह से फिलहाल जो है अपडेट यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि नज़र आ रहे हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 8 और 9 अक्टूबर के दौरान इस पश्चिम विक्षोभ का असर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर रहेगा और कुछ इलाकों पर तेज हवाएं चलना, आधी तेज हवाएं चलना और मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मऊ, सोनभद्र, मिर्जापुर के आसपास के भागों पर और हो सकता है इन जिलों के आसपास के भागों पर भी बादल दिखेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बन सकती है। सोनभद्र के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, इन भागों पर ज़्यादा बारिश के आसार नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना या बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है, या कुछ स्थानों पर सिर्फ थोड़े बहुत बादल आते जाते दिखाई दे। जो मध्य भाग है, पश्चिमी भाग है, यहाँ पर दिन में मौसम साफ रहेगा और जैसे कि मैंने बताया कि कुछ इलाकों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, पश्चिम विक्षोभ का असर कल देर रात्रि से ही वो दिखाई देने वाला है। और इसके अलावा 9 अक्टूबर में भी देखें जो यहाँ पर सिस्टम होगा उसके कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे, एक दो भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर इस सिस्टम यानी कि जो WD रहेगा उसके कारण कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना यानी कि बन सकती है। 10 अक्टूबर से सिस्टम आगे निकल जाएगा, उत्तर प्रदेश के भागों पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर फिर जो है मौसम साफ ही देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य की अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।